आजकल लगभग हर एक गाड़ियों में सीट बेल्ट दिया जाता है, तो ऐसे में आप सोचते होंगे कि सीट बेल्ट का इन्वेंशन कौन किया था। सबसे पहले आपको बता दें कि सीट बेल्ट का आविष्कार भी कार के लिए बिल्कुल नहीं हुआ था। साल 1885 में एडवर्ड क्लैग हार ने सीट बेल्ट की खोज की थी और इसका यूज साल 1946 से किया जा रहा है। सबसे पहले कैलिफोर्निया के हॉस्पिटल में किया गया था। दरअसल वहाँ पर लगभग 90% ऐसे पेशेंट आते हैं जो कि कार एक्सीडेंट या बाइक एक्सीडेंट से ही होते थे। इन्हीं सभी दुर्घटनाओं को देखते हुए सीट बेल्ट को बढ़ावा दिया गया और साल 1950 से लगभग हर एक गाड़ी में सीट बेल्ट देखने को मिलने लगे।